शिवपुरी जिले की देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिपरसमा गांव के रास्ते पर जहरीला पदार्थ स्मैक बेच रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 35 ग्राम स्मैक सहित एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। वही स्मैक की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं देहात थाना प्रभारी ने बताया कि पिपरसमा के रास्ते पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था, जो स्मैक बेच रहा था। सूचना पर देहात थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की तलाशी ली, जिसके पास से 35 ग्राम स्मैक बरामद की गई, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। उसी अभियान के तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पिपरसमा के पास पानी की टंकी है, वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल से स्मैक बेचने के लिए आया हुआ है। और उसी मुखबिर की सूचना पर से तुरंत टीम तैयार करके और रवाना किया गया और मुखबिर के बताए स्थान पर से एक व्यक्ति को पकड़ा और जिसकी तलाशी ली गई। तलाशी में हमको उसके पास से 35 ग्राम स्मैक करीबन 7 लाख रुपए की हमने मौके से जब्त की गई और उसको मौके पर गिरफ्तार किया गया। ये इसके ये करहाल का रहने वाला है, तो इसके पूर्व के अपराधों को की जानकारी ली जा रही है।